हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी सिक्स क्लास के कमरे की बुक है जिसका नाम है लॉग इन हेयर। ये आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। आज से हम आपका कमरे का चैप्टर भी शुरू करेंगे। तो चलते हैं आपके कमरे के फर्स्ट चैप्टर की तरफ। ये देखिए, ये इसका इंडेक्स है जिसमें 13 चैप्टर्स हैं और कुछ आपके मॉडल टेस्ट पेपर भी दिया हुआ है। फर्स्ट आपका चैप्टर क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेजेस। डू यू नो, आपको पता है कि कंप्यूटर की भी एक अपनी लैंग्वेज है। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो हम दो तरीके की लैंग्वेज में बात करते हैं, दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी। तो कंप्यूटर का भी एक लैंग्वेज है जो वो समझता है। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के बारे में, मशीन लैंग्वेज के बारे में, असेंबली लैंग्वेज के बारे में, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के बारे में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। वी यूज लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस आर व्यूज एंड फीलिंग्स। आपको पता है, आप अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स बताने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आप घर में, आपको भूख लग गया, आप बोलेंगे मम्मी को, मम्मी भूख लग रही है, ठीक है। या आपको मम्मी ने डांट दिया, आपको बुरा लगा है, तो अपने आप बोलेंगे बुरा लगा है, तो अपनी फीलिंग्स को, जैसा आप फील करते हैं, और अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को, ये सब बताने के लिए, सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? लैंग्वेज का। सिमिलरली, इसी तरह फॉर कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर वी ऑल्सो नीड सम लैंग्वेज। कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमें भी क्या चाहिए? एक लैंग्वेज चाहिए विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सके। अ कंप्यूटर हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को क्या देने पड़ते हैं? इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। आप कंप्यूटर के सामने जाके हिंदी में बोलने लग जाएंगे तो कंप्यूटर आपकी बात सुन लेगा? नहीं सुनेगा, ठीक है। आप इंग्लिश में बोलने लग जाएंगे, कंप्यूटर सुनेगा? नहीं सुनेगा। आपको कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड पर टाइप करेंगे, इनपुट देंगे, कमांड देंगे, कमांड देने के और भी तरीके होते हैं, तो तब जाके कंप्यूटर वो करेगा जो आप चाहते हैं। आप ऐसे जाकर बोलेंगे 2+2 बताओ कितना होता है, कंप्यूटर बताएगा? नहीं, आपको उसमें के टाइप करना पड़ेगा, इक्वल टू को बटन दबाना पड़ेगा, तब जाके कंप्यूटर को आपकी बात समझ में आएगी। तो हमें क्या देने पड़ते हैं? इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं फॉर ईच एक्शन दैट हैज़ टू बी परफॉर्म। जो हमें उससे काम करवाना पड़ता जो हम चाहते हैं कि वो काम करे, उसके लिए हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। अ प्रोग्राम कैन बी कंसीडर्ड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अ प्रोग्राम कैन बी कंसीडर्ड एज एक प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब भी कोई प्रोग्राम बनता है, क्या है उसके अंदर? इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे आपका फ़ोन है, आप टच करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ टच करेंगे तो ये होगा, तो ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है, ठीक है। आपके तो कंप्यूटर में क्या होता है? बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट हैज़ टू बी डन। जो कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या करना है। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये प्रोग्राम कैसे बनता है? प्रोग्राम कैसे बनता है? जब ये प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है? राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के लिए हमें क्या होता है? प्रोग्राम बनाना पड़ता है। प्रोग्राम से पहले प्रोग्रामिंग होती है जहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं फॉर अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ अपने रूल्स होते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इंटू 4 कैटेगरीज। तो कंप्यूटर के 4 लैंग्वेज होते हैं। क्या क्या होते हैं? मशीन लैंग्वेज होते हैं, असेंबली लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। 4 तरीके की लैंग्वेज है जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है? अभी के लिए थोड़ा थोड़ा इन लैंग्वेज के बारे में पढ़ के रखना है कि क्या होता है। गूगल करिए आप कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप पीछे की एक्सरसाइज का ई पार्ट कर सकते हैं। ये जंबल वर्ड्स दिए, आप इनको सॉल्व करके लिख सकते हैं। आपको बुक में ही करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।